जी हाँ, आप लोग कॉपी राइटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स से सीखना चाह रहे हो कि भाई अच्छी कॉपी की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, अच्छा वेबसाइट किसको कहते हैं, एक अच्छा सेल्स लेटर किस तरह से लिखते हैं, तो इनकी एग्जाम्पल्स आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा, बिफोर आई शो यू द एग्जाम्पल्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे कॉपी राइटिंग के बारे में बात होती है और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात होती है, जो कि कॉपी राइटिंग से ही ऑब्वियसली रेलेवेंट है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस में इंशाल्लाह आपके लिए फ्यूचर में भी लाता रहूँ। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम चार मुख्तलिफ कॉपी की टाइप्स की एग्जाम्पल देखेंगे। मैं ऑब्वियसली अगली कोई और वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, उसमें मैं और कॉपी टाइप्स भी बता दूंगा, लेकिन आज हम वेबसाइट कॉपी, डिस्क्रिप्शन, सेल्स लेटर और एंड पे हम कोई ना कोई फेसबुक एड्स को भी देख लेंगे कोई एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि भी अच्छे फेसबुक एड्स क्या होते हैं। तो पहले करते हैं जी हम स्टार्ट वेबसाइट कंटेंट से। अब मैं आपको दो वेबसाइट्स बताने लगा हूँ। एक आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है, मरी फोरलियो की। ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है और इसकी एग्जाम्पल्स अक्सर दी जाती हैं कि आप जी मरी फोरलियो की एग्जाम्पल देखें और उसकी वेबसाइट का कॉन्टेंट देखें। इसी तरह से मिशेल की आपको मैं वेबसाइट दिखाने लगा हूँ। शी इज़ अ कॉपी राइटर बेस्ड इन न्यूयॉर्क और बेहतरीन कंटेंट इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इतना अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है कि हर कॉपीराइटर को कम से कम इसकी वेबसाइट एक दफा लाजमी देखनी चाहिए। अच्छा, मरी फोरलियो की अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो ये देखिए ब्रांडिंग किस तरह से हुई है, उसने अपनी ऑडियंस को किस तरह से कॉल आउट किया हुआ है, उनको बताया हुआ है। थोड़ी सी इनकी मरी की वेबसाइट जो है वो जेनेरिक साइड पे है, लेकिन ओवरऑल इनका कॉन्टेंट और ये सब चीज़ें ऑन पॉइंट हैं और इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। इसको देखो, इसको गो थ्रू करो, इनके स्ट्रक्चर को नोट करें कि जी किस तरह उन्होंने स्टार्ट में हेडर दिया, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने बताया कि व्हाट शी बिलीव्स इन, उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विसेज या वो जो भी एग्जिस्टिंग वो चीज़ उनके पास सेल कर रही हैं, जो भी है इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो उसके बारे में लिस्ट किया, फिर टेस्टिमोनियल्स ऐड किए, फिर अपने देखें जी रिचर्ड ब्रांसन के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं, ओपरा विफनी के साथ हैं, ये अपना क्या नाम है टोनी रॉबिन्स के साथ भी हैं। तो शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग, इसी वजह से इनकी वेबसाइट को देखो, इसे इंस्पायर हो, इसे इंस्पिरेशन लेनी पड़े वो भी ले लो, कोई मसला नहीं, बाकी एक्सप्लोर भी करें। इसी तरह से मिशेल की वेबसाइट है, इसको कभी मैं आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करके दूंगा, लेकिन अभी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि भाई अच्छी वेबसाइट किस तरह से लिखी जाती है। अब हमें अमूमन पाकिस्तान में वेबसाइट लिखने का कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल ख़राब है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो इनकी देखें बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्सी वेबसाइट है, हर तरह से चेंज है, बिल्कुल टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग है ये ऑडियंस की वेबसाइट, कि वो अपने ऑडियंस को किस तरह से कॉल आउट कर रही है, द बर्न्ड बिज डेवलप गाय, द ओवरवेल्म्ड एजेंसी डायरेक्टर, द वर्डलेस एंटरप्रेन्योर। तो ये देखो कितना अच्छा है, फिर उसका अपना इंट्रो आ जाता है इसमें, फिर उसके थोड़ी क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स हैं, फिर वो सर्विसेज जो दे रही है उसके बारे में, फिर वो हाउ शी सेट्स हरसेल्फ अपार्ट, उसमें अपनी वो जो फायदे बता रही है कस्टमर्स के लिए, वो ये नहीं बता रही प्लीज ज्वाइन माय सर्विसेज, आई एम वेरी गुड कॉपी राइटर, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो ऑडियंस के लिए लिख रही है जो भी लिख रही है। तो इसकी वेबसाइट को भी लाजमी गो थ्रू कीजिएगा आप लोग, आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक सेल्स लेटर का एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। अब सेल्स लेटर अमूमन 10,000 लफ्जों के होते हैं और प्रोबेबली ये भी इतना ही है, ये शायद 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इसका मकसद यह है कि आपको समझ लग जाए कि भाई सेल्स लेटर किस बला का नाम है और ये होते किस तरह से और ये लिखे किस तरह से जाते हैं। तो ये एक ऑफर चल रही है आजकल डायबिटीज फ्रीडम के नाम से, इसका सेल्स लेटर आप देख सकते हैं। अब इस सेल्स लेटर में आप पूरा एक उसने समा बांधा हुआ है, पूरी लीड है, बैक स्टोरी है, ऑफर का रिवील है, प्रोडक्ट रिवील है, इंग्रीडियंट रिवील है, स्केप्टिसिज्म एड्रेस हो रहा है इसमें, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है इसमें, यानी पूरी परफेक्ट कॉपी राइटिंग की एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स की अगर कोई एग्जाम्पल आपने देखनी है तो वो ये सेल्स लेटर है। मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगा, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको गो थ्रू करो, इसको सारे को पढ़ो, ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई अच्छे बड़े सेल्स लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं और अच्छे बड़े सेल्स लेटर होते क्या हैं। अब ये अमूमन जो इस तरह का काम है ये करने के लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी मैं अगर स्टीफन जॉर्जाई की बात करूं तो वो $50,000 लेता है सिर्फ एक इस तरह का सेल्स लेटर लिखने के। ठीक है, वो तो ए लिस्टर कॉपीराइटर है, वो $1 बिलियन की सेल में जा रहा है, लेकिन आप अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप यार अगर इसी सेल्स पेज पर इसी तरह लिखने के $1,500, $2,000 भी, $3,000 भी क्लाइंट से ले लो तो आपका तो महीने का पूरा सीन ऑन है ना, 10,000 लफ्ज़ बनेंगे,
रिसर्च करो अच्छी अच्छी, जिस तरह मैंने आपको रिसर्च के मेथड्स बता चुका हूँ, और ये सारा कुछ क्राफ्ट करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा इससे काम मिल सकता है। आप इसको डीकोड करो, इसको डीकंस्ट्रक्ट करो, इसको पढ़ो, इसको देखो कि भी एक सेल्स लेटर किस तरह से लिखा जाता है। आगे अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बताने लगा हूँ। डिस्क्रिप्शन की दो टाइप्स होती है, एक लॉन्ग फॉर्म डिस्क्रिप्शन होती है जो फनल्स पे लिखी जाती है या लैंडिंग पेजेस पे लिखी जाती है, और एक शॉर्ट फॉर्म डिस्क्रिप्शन होती है जो कि वेबसाइट कंटेंट के तौर पर लिखी जाती है। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं वेबसाइट वाली उनकी एग्जांपल दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन की, और जो बाकी है वो हम फिर कभी किसी इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं जिस पेज पे इस टाइम हूँ, जिस वेबसाइट पे, इनका नाम है अनडैंडी, ये जूते बनाने की वेबसाइट है, लेकिन इनमें एक यूनिक बात है वो ये कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बेहतरीन लिखी हुई है। तो आइए मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ इनकी। ये इनके शूज स्नीकर्स वगैरह हैं, मैं पहले शूज में भी स्नीकर्स को मल्टीपल टैब्स में ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि हम इनको जरा एक्सप्लोर तो करें आखिर इन्होंने किस टोन में लिखा हुआ और किस तरह से लिखा हुआ। अब शूज के टैब पे मैं हूँ सबसे पहले इस टाइम, तो अगर मैं कुछ दो तीन इनके डिस्क्रिप्शन ओपन कर लूँ आपके लिए, दो ही कर लेता हूँ ताकि आप ज्यादा कन्फ्यूज भी ना और ज्यादा इसमें वीडियो में टाइम भी ना लग जाए। 25 बाय मिका इन शूज का नाम है। अब ये देखो कि किस तरह से इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है। कैप टू डार्बी बेस्पोक हैंडमेड विद ग्लॉसी ब्लू एंड ब्लैक पेटेंट लेदर फिनिश्ड विद डार्क ब्लू लेसेस एंड स्टिचिंग। इट्स सॉफ्ट चिजल्ड प्रोफाइल इज आइडियल इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिंग। ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन है, थोड़ी आपको मोमेंट में लेके जा रही है, थोड़ा आपको जूते के बारे में भी बता रही है एट द सेम टाइम। विद क्लासिक फिट एंड एलिगेंट लॉन्ग वैम्प आर 15 लास्ट will add just the right amount of Italian flair to your look. A bespoke shoe handmade by the finest Portuguese artisans with the best French leather and suits. अब देखो किस तरह से उसने वो आपको पुर्तगाल भी ले गया, वो आपको इटली भी ले गया, वो उसने आपको पूरी एक पिक्चर पोर्ट्रे करके दिखा दी इस डिस्क्रिप्शन के हवाले से। अब मैं आपको स्नीकर्स पे लेके जाता हूँ। अब स्नीकर की मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी ज़्यादा इस टाइम। मैं 92 बाय चक एक यहाँ पे मेरे सामने आया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें देखो किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सूड ऑन अ मॉन्क स्ट्रैप स्नीकर इट श्योरली डजंट गेट मच कूलर देन दैट। फुल ब्रोग मॉन्क स्ट्रैप स्नीकर्स हैंडक्राफ्टेड विद लाइट ग्रे सूड फिनिश्ड विद ब्लू स्टिचिंग। अब देखो किस तरह से वो ब्रोग्स के बारे में आपको बता रहा है, किस तरह से बता रहा है उसके स्ट्रैप के बारे में। अब मैं ये भी तो लिख सकता था, चार बुलेट्स बनाता, फुल ब्रोक स्ट्रैप्स, मॉन्क स्ट्रैप्स, फुल ब्रोक शूज, बुलेट्स बना के मैं कहता भाई ये लो डिस्क्रिप्शन। नहीं, उसने ऐसे नहीं किया, उसने आपको इंटाइस किया है, उसने आपको इंगेज किया है, साथ 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 उसने आपको आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताता गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। आपको यूं कर कीजिए कि इनकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर कर मारिए, छान मारिए सारियों को, ताकि आपको बहुत अच्छी समझ आ जाए कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आखिर किस तरह से लिखते हैं। अब जो आखिरी चीज मैं आपको आज बताने लगा हूँ वो है फेसबुक एड कॉपी की एग्जांपल्स। अब जिस तरह मैंने अपने रिसर्च के मेथड में आपको बताया था कि जी आप एड लाइब्रेरी को यूज करके रिसर्च कर सकते हो, इसी तरह से आज भी हम एड लाइब्रेरी पर जाएंगे और अच्छी अच्छी रिसर्च करेंगे एड लाइब्रेरी पर जाके एड्स की। एक बंदे के मैं आपको एड दिखा देता हूँ, साबरी सूबी के एड दिखाता हूँ, जो कि बहुत अच्छे एड्स लिख रहा है और उन वो एक अच्छी एग्जांपल है एक अच्छे फेसबुक ऐड की। तो आइए स्क्रीन पे मैं यहाँ पे इसको चेक करके ऑल कर दूंगा ताकि सारी कंट्रीज का मुझे डेटा दिखा सके और उसके जो भी एड्स चल रहे हैं वो मुझे नजर आएं। और मैं लिखूंगा साबरी सूबी, साबरी सूबी के जी मेरे सामने एड्स आ गए। मैं इसका एक एड आपको गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि भी एड कॉपी। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में है कि जी एड कॉपीज तो लंबी नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एड कॉपीज मैं खुद भी अक्सर कभी लिखने बैठता हूँ तो मैं 150-150 लफ्जों की लिख रहा होता हूँ, 200-200 से तक भी लिख रहा होता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट या ऑफर किस तरह की है, उसी के हिसाब से ही आपकी एड कॉपी लिखी जाती है। तो आज की जो एड कॉपी अब हम देख रहे हैं साबरी सूबी की, मैंने एक एड खोला हुआ है कि मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये कहते हैं फ्रॉम 90,000 on the day of release to a number one international Amazon bestseller within 10 minutes flat. Find out why people are going crazy over the controversial yet shockingly effective secret selling system outlined in the book. ये अपनी एक बुक बेच रहा है सेल लाइक क्रेजी के नाम से,
कि उसके बारे में ऐड है। व्हाट्स इवन मोर क्रेजी, दिस बुक रिटेल्स फॉर 1995 ऑन Amazon, बट टुडे आई वांट यू सेंड अ कॉपी, आई वांट टू सेंड यू अ कॉपी फॉर फ्री, सिंपली क्लिक द लिंक बिलो। अब देखो उसने क्या किया, उसने पहले आपकी अटेंशन ग्रैब की कि भाई ये बता के जी इतनी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, अटेंशन ग्रैब की कि इतनी ज़्यादा सेल्स हुई हैं, न्यूज़ में अमेजोन पे बेस्ट सेलर बन गई जी, क्या बात है। फिर आपको उसने फर्दर हुक किया, किस तरह से हुक किया आपको, ये उसने कहा कि जी इसमें थोड़े सीक्रेट्स बड़े अजीब अजीब कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, ताकि आप उसको और पढ़ते रहो फर्दर। फिर आपने जब वो पढ़ा, उसके बाद वो आपको उसने क्रेजी बात और कर दी, फर्दर हुक कर दिया कि जी ये किताब फ्री में मिल रही है आपको, वरना ये $19 की है। अब आगे वो गेम आपके साथ जो करेगा वो तो मैं आपको बताता हूँ, वो ये करेगा कि आपको कहेगा फ्री प्लस शिपिंग ऑफर है, किताब मुफ्त नहीं दे रहा असल में वो आपको शिपिंग से दे रहा है, शिपिंग के पैसे लेगा आपसे। लेकिन ये एक अच्छा ऐड लिखने का तरीका था कि किस तरह उसने हुक किया, किस तरह उसने स्केप्टिसिज्म को पहले लाइन में उड़ा दिया, और उसने अपनी अथॉरिटी भी बिल्ड कर ली, और आपको उसने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एक शॉर्ट से ऐड के अंदर अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके सामने अच्छी ऐड कॉपीज और भी एग्जांपल्स ला के रखता जाऊंगा, ताकि आप उनसे सीख सको और उनको डिकोड कर सको। आज के लिए आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।